हमारा सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स 1। हमने शुरू की हुई अपनी 9th यूनिट यानी कि एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर के अंदर हम लास्ट लेक्चर के अंदर बात कर रहे थे एयर कंप्रेसर के बारे में कि एयर कंप्रेसर क्या होता है। तो आपको बताया था कि कंप्रेसर क्या है, एक डिवाइस था, एक मशीन है जिसका हम यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? एयर को कंप्रेस करने के लिए और उसके प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए, उसके प्रेशर को रेज करने के लिए हम जिस डिवाइस का, जिस मशीन का यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते थे? एयर कंप्रेसर। इसके अलावा हमने बात की थी यूज ऑफ एयर कंप्रेस, यानी कि जो एयर कंप्रेसर होता है, एयर कंप्रेसर के द्वारा जो हम कंप्रेस्ड करते हैं एयर, उस एयर का हम कहां कहां पे यूज करते हैं, कौन कौन सी फील्ड के अंदर, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज के अंदर, कहां कहां पे हम यूज करते हैं हमारी कंप्रेस्ड एयर का, या फिर बात कर लीजिए कंप्रेस्ड जो हमारा एयर कंप्रेसर है। हमने बात की थी क्लासिफिकेशन के बारे में। तो आपको पता है टाइप्स ऑफ कंप्रेसर या फिर टाइप्स ऑफ एयर कंप्रेसर, क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंप्रेसर आपको बताया कि हमारे पास होते हैं 6 प्रकार के, अलग अलग थे अकॉर्डिंग टू वर्किंग, अकॉर्डिंग टू पोजीशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू एक्शन की किस तरह से एक्शन है, या अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टेजेस, अकॉर्डिंग टू कूलिंग। तो काफी तरह के हमारे क्या थे, एयर कंप्रेसर थे जो हमने लास्ट लेक्चर में बात की। आज हम उसी टाइप्स के आगे आगे बात करेंगे सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर के बारे में। आपको पता है जब हम बात कर रहे थे अकॉर्डिंग टू स्टेज, तो स्टेज के अकॉर्डिंग हमारे कंप्रेसर होते हैं दो तरह के, एक होता है सिंगल स्टेज कंप्रेसर, दूसरा हमारा होता है मल्टी स्टेज कंप्रेसर। उसी तरह जब हम बात करते हैं वर्किंग के रिगार्डिंग, तो वर्किंग के अंदर भी हमारे कंप्रेसर होते हैं दो तरह के, एक होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, दूसरा हमारा होता है रोटरी कंप्रेसर। तो हम बात करेंगे इसके अंदर दोनों, यानी कि ये तो होगा हमारा स्टेज के हिसाब से अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टेज, ये है अकॉर्डिंग टू वर्किंग। तो इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। इस एयर कंप्रेसर के बारे में बात करेंगे कि क्या एयर कंप्रेसर है, कैसे इसकी वर्किंग होती है। तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा? सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर, यानी कि एक सिंगल स्टेज है और रेसिप्रोकेटिंग है, ना कि रोटरी कंप्रेसर। तो क्या है, जब भी बात करेंगे हम सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर के अंदर, तो इसके अंदर क्या क्या कंसिस्ट होता है, वो क्या होता है? एक सिलेंडर होता है, एक पिस्टन होता है, एक सक्शन होता है, और हमारे पास क्या होता है? डिस्चार्ज होता है। कि जब भी हम बात करेंगे हमारे एयर कंप्रेसर की, रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर की, तो क्या लिखेंगे? इट कंसिस्ट ऑफ क्या होगा इसके अंदर? इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर, पिस्टन, सक्शन एंड डिस्चार्ज। तो ये चार चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो होंगी हमारे किसके अंदर, जब हम बात करेंगे हमारे सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में। जैसे कि मान लीजिए ये आपका क्या है, एक कंप्रेसर है, ठीक है। यहां पे हम क्या बना लेते हैं, हम बनाते हैं एक हमारा सिंगल स्टेज कंप्रेसर। यहाँ पे हम मान लीजिए ये हम बना रहे हैं एक सिंगल स्टेज कंप्रेसर, तो यहां से इस तरफ से पॉइंट लग जाएगा, मान लीजिए यहां से नीचे आ गया। ये क्या है हमारे इनलेट आउटलेट वाल्व, ये क्या है, एक तो इनलेट एक आउटलेट वाल्व है, यानी कि जहां से एयर सक होगी हमारे कंप्रेसर के अंदर। और इसके अंदर क्या है, मान लीजिए ये हमारा यहाँ पे लगा हुआ है पिस्टन, ये हमारा क्या है सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि हमारा क्या लगा हुआ है पिस्टन है। पिस्टन आगे किससे कनेक्टेड होता है? पिस्टन कनेक्टेड होता है कनेक्टिंग रोड से। कनेक्टिंग रोड आगे किससे कनेक्ट होती है? क्रैंक शाफ्ट से। तो मान लीजिए ये इसी तरह से, मान ये आ गया नीचे की तरफ, यहां से ये आ गई नीचे क्रैंक शाफ्ट। तो इस तरह से नीचे हमारी क्या बन जाएगी, एक क्रैंक शाफ्ट बन जाएगी, ये नीचे क्या हो जाएगी हमारी क्रैंकशाफ्ट। तो क्रैंकशाफ्ट को हम, ये हमारी क्या है कनेक्टिंग रोड है, इसको हम किस तरह से बना लेते हैं, इसको हम सिंगल बना लेते हैं, जैसे कि डबल नहीं, बिल्कुल सिंगल ड्रॉ कर लेते हैं हमारी कनेक्टिंग रोड को, क्योंकि पता है कनेक्टिंग रोड होती है, कनेक्टिंग रोड आगे किससे कनेक्टेड होती है, कनेक्टिंग रोड कनेक्टेड होती है हमारी क्रैंकशाफ्ट के साथ। ये हमारी क्या है कनेक्टिंग रोड है, कनेक्टिंग रोड किससे कनेक्ट है, कनेक्टिंग रोड कनेक्ट है हमारी क्रैंकशाफ्ट के साथ। ये हमारा क्या रहेगा निशान रहेगा, यानी कि जो क्रैंक पिन लगी हुई है, ये हमारी क्या होती है क्रैंक पिन, या जिसको हम गजन पिन भी बोल देते हैं। तो देखो इसके अंदर क्या हो जाएगी, ये तो हमारी क्या रहेगी, इसको हम बोल देंगे क्रैंक, ये हमारी क्या होती है
क्रैंकशाफ्ट यानी कि जिसको हम क्रैंक बोलते हैं, अंदर का जो होता है क्रैंक केस होता है, फ्लाईव्हील लगा होता है इसके अंदर, ये हमारी क्या है, इसको हम बोलेंगे कनेक्टिंग रॉड। ये हमारी कहलाएगी कनेक्टिंग रॉड। ये हमारी जो रॉड जो पिस्टन और हमारे क्रैंकशाफ्ट को कनेक्ट कर रही है वो हमारी कहलाती है कनेक्टिंग रॉड। इसी तरह से ये हमारा क्या रहेगा, ये रहेगा पिस्टन, ये हमारा क्या होगा पिस्टन, और ये पूरा जिसके अंदर पिस्टन के अंदर जो रेसिप्रोकेट कर रही है हमारी क्रैंकशाफ्ट जो हमारा कनेक्टिंग रॉड है रेसिप्रोकेट कर रही है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ये हमारा होता है सिलेंडर। ये हमारा क्या कहलाता है, सिलेंडर। इसको हम क्या बोलेंगे, सिलेंडर। इसी तरह से ये हमारे इनलेट और आउटलेट वाल्व बन जाएंगे। एक हमारा क्या हो जाएगा, हम मान लीजिए ये हमारा इनलेट वाल्व है, इनलेट वाल्व, इसको लिख लेते हैं हम आउटलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व। यहां से क्या है, अंदर क्या आएगी, अंदर जब हम बात करेंगे तो ये क्या आएगी, एयर, यानी कि एयर क्या करेगी, अंदर एंटर करेगी। जब हम इनलेट वाल्व को ओपन करेंगे, जब हम इनलेट वाल्व को ओपन करेंगे तो उस दौरान क्या होगी, इसके अंदर क्या आएगी, एयर आएगी। ये तो हमने सिंपली एक डायग्राम ड्रॉ किया है, किसका डायग्राम है, सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का, सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का। इसके अंदर क्या होता है, फ्लाईव्हील होता है जो क्या करता है, टर्निंग मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है। जो फ्लाईव्हील लगा होता है हमारी क्रैंकशाफ्ट के अंदर, क्रैंक केस के अंदर, वो क्या करता है, वो हमें टर्निंग मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है हमारी मेन शाफ्ट को, जो हमारी क्रैंकशाफ्ट है, मेन शाफ्ट है, उसको टर्निंग मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है, ताकि वो क्या कर सकती है, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड के साथ क्या करेगी, रेसिप्रोकेट करेगी। वो क्या करेगी, रेसिप्रोकेट करेगी। तो ये तो हमने बात की इंट्रोडक्शन के बारे में, सिंपली अभी हमने बात कर ली इंट्रोडक्शन के बारे में कि इट कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर, कि जो हमारा सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होगा, उस कंप्रेसर के अंदर पहले तो मेन मेन जो हमने पार्ट की बात की है कि एक सिलेंडर लगा होगा, पिस्टन लगा होगा, सक्शन यानी कि जहां से सक हो सकेगा, इनलेट वाल्व होगा, डिस्चार्ज जहां से हम उसको बाहर निकालेंगे यानी कि आउटलेट वाल्व लगा होगा, और इसके अंदर सिलेंडर है, पिस्टन है, तो और क्या हो सकता है, कनेक्टिंग रॉड होगी, क्रैंकशाफ्ट होगी, फ्लाईव्हील होगी। फ्लाईव्हील क्या करेगा, टर्निंग मूवमेंट प्रोवाइड करवाएगा हमारी मेन शाफ्ट को, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, रेसिप्रोकेट करवाएगा हमारी कनेक्टिंग रॉड को, क्रैंकशाफ्ट के साथ क्या करवाएगा, रेसिप्रोकेट करवाएगा। अब हम बात करेंगे, ये तो हमने बात कर ली सिंपली इंट्रोडक्शन के बारे में कि क्या क्या कंसिस्ट है हमारे सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर। अब ये वर्किंग किस तरह से करेगा, जब भी हम बात करेंगे सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में, तो वर्किंग के अंदर क्या आएगा कि ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक, कि जब हमने सक्शन करना है यानी कि एयर को सक करना है हमारे कंप्रेसर के अंदर, तो क्या होगा, जो पिस्टन है ये क्या करेगा, जो पिस्टन है कनेक्टिंग रॉड की सहायता से रेसिप्रोकेट करेगा, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। जो हमारा पिस्टन है ये क्या करेगा, जब हम बात करेंगे सक्शन स्ट्रोक की प्रोसेस स्टार्ट करने से, जब हम स्टार्ट करेंगे तो सक्शन स्ट्रोक के अंदर क्या होगा, जो हमारा पिस्टन होगा ये इसकी मूवमेंट होगी, रेसिप्रोकेट करेगा, तो ये क्या चला जाएगा, अब तो यहां पे है, मान लीजिए ये पूरा ऊपर तक है, हमारा क्या है आउटलेट वाला ओपन, लेकिन जब क्या करेंगे ये वाला पिस्टन मूव करेगा यानी कि रेसिप्रोकेट करेगा, तो ये नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा इनलेट वाल्व क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, लेकिन आउटलेट वाल्व हमारा क्लोज रहेगा। पहले के अंदर क्या होगा, सक्शन के अंदर जब भी हम बात करेंगे ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक, जो पिस्टन है ये मूव करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की वजह से क्या होगा, मान लीजिए ये नीचे गया, तो नीचे जाने की वजह से जो हमारा इनलेट वाल्व है ये ओपन हो जाएगा। इनलेट वाल्व ओपन होगा तो एयर क्या करेगी, एयर अंदर आना शुरू हो जाएगी हमारे सिलेंडर के अंदर, जो भी हमारा सिलेंडर है इस सिलेंडर के अंदर हमारे कंप्रेसर के अंदर एयर आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, एयर अंदर आना शुरू होगी, सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होगा, हमारा जो पिस्टन है ये मूव करना शुरू कर देगा ऊपर की ओर। जब ये ऊपर की ओर मूव करेगा तो यहाँ पे एयर है, एयर जब ये मूव करेगा तो उस दौरान क्या होगा, हमारा इनलेट और आउटलेट दोनों वाल्व क्या रहेंगे, बंद रहेंगे। ड्यूरिंग सेकेंड सेक्शन, जब हम सेकेंड प्रोसेस बात करेंगे, तो सेकेंड प्रोसेस के अंदर क्या है, ये मूव करना शुरू करेगा ऊपर की ओर। ऊपर जब मूव करेगा तो हमारा इनलेट और आउटलेट वाल्व दोनों बंद हो जाएंगे, और जो इसके अंदर एयर है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, कंप्रेस्ड होना शुरू हो जाएगी। एयर क्या होना शुरू हो जाएगी, कंप्रेस्ड होना चाहिए शुरू हो जाएगी। जब ये पूरी तरह से कंप्रेस्ड हो जाएगी तो क्या एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे क्या करेंगे, आउटलेट वाल्व हमारा ओपन हो जाएगा। आउटलेट वाल्व ओपन हो जाएगा तो वहां से क्या होगा, जो भी कंप्रेस्ड एयर है
जहां पे हम उसको डिलीवर करना चाहते हैं, तो वहां से आउटलेट वाल्व से हमको क्या कर देंगे, स्टोरेज वेसल के अंदर या फिर जहां पे हम उसको डिलीवर करना चाहते हैं वहां पे एयर को क्या कर देंगे, कंप्रेस्ड एयर को डिलीवर कर देंगे। तो इस तरह से हमारा सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या करेगा, वर्क करेगा कि इट कंसिस्ट सबसे पहले तो पार्ट के अंदर आ जाएगी, उसके बाद ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक कि जब हमारा सक्शन स्ट्रोक होगा, पहला स्ट्रोक होगा, उस दौरान क्या होगा, पिस्टन मूव्स डाउनवर्ड डायरेक्शन कि जो हमारा पिस्टन है वो क्या करेगा, नीचे की ओर आना शुरू हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उससे क्या होगा, इनलेट वाल्व ओपन, और उसकी वजह से इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगा एंड एयर एंटर इन द सिलेंडर, और उसकी वजह से क्या होगी, जो एयर है वो एंटर होना शुरू हो जाएगी हमारे सिलेंडर के अंदर, एंटर होना शुरू हो जाएगी हमारे सिलेंडर के अंदर। उसके बाद कैसे है, जैसे ये फिर से रोटेट करेगा तो ये ऊपर की ओर आना शुरू करेगा, जिसकी वजह से मूव अपवर्ड, ये क्या करेगा, ऊपर की ओर शुरू करेगा, मूव अपवर्ड यानी कि ऊपर की ओर आना शुरू कर देगा, मूव अपवर्ड एंड कंप्रेस्ड द एयर, क्या करेगा, कंप्रेस कर देगा एयर को। इन दिस स्टेप इस स्टेप के अंदर क्या रहेगा हमारा, जो भी इन दिस स्टेप इनलेट एंड आउटलेट वाल्व क्लोज, और उस दौरान क्या रहेंगे हमारे जो इनलेट और आउटलेट वाल्व है वो क्या रहेंगे, पूरी तरह से क्लोज रहेंगे। लेकिन जब पूरी तरह से कंप्रेस्ड हो जाएगा तो उस दौरान क्या होगा, ये नीचे की ओर आने शुरू होगा धीरे धीरे, तो यहां से जो आउटलेट वाल्व है, इनलेट वाल्व क्लोज रहेगा, लेकिन जो हमारा आउटलेट वाल्व होगा, आउटलेट वाल्व क्या हो जाएगा, आउटलेट वाल्व ओपन हो जाएगा, आउटलेट वाल्व ओपन होगा तो जिसकी वजह से जो भी हमारी कंप्रेस्ड एयर है वो आउटलेट वाल्व से बाहर आ जाएगी, और जहां पे हम उसको स्टोर करना चाहते हैं, जहां पे हम उसको लेके जाना चाहते हैं, वहां पे क्या कर देंगे, डिलीवर कर देंगे हमारी कंप्रेस्ड एयर को। तो इस तरह से हमारी वर्किंग होगी सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर। सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर हमारी वर्किंग किस तरह से होगी, आपको समझ में आया पूरी तरह से, कि सबसे पहले तो हम पार्ट की बात कर लेंगे कि इसके अंदर सिलेंडर लगा होगा, पिस्टन लगा होगा, सक्शन स्ट्रोक होगे, सक्शन होगा, डिस्चार्ज होगा, कनेक्टिंग रोड होगी, क्रैंकशाफ्ट लगी होगी। उसके बाद हम बात कर लेंगे कि जब हम इसकी वर्किंग के बारे में, तो इसके सक्शन स्ट्रोक होगा, सक्शन स्ट्रोक के अंदर क्या आएगी, जब ये नीचे की ओर जाएगा तो एयर एंटर होगी, उसके बाद क्या होगा, ये ऊपर की ओर आएगा तो एयर जो आई है वो कंप्रेस्ड होना शुरू हो जाएगी, प्रेशर उसका इंक्रीज हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, पूरी तरह से एयर कंप्रेस्ड हो गई, फिर हम नेक्स्ट स्ट्रोक के अंदर क्या करेंगे, जब ये नीचे की ओर आएगा तो आउटलेट वाल्व हमारा ओपन हो जाएगा, तो आउटलेट वाल्व से क्या होगी, वो सारी जो हमारी क्या होंगी, जो सारी कंप्रेस्ड एयर है उसको हम स्टोरेज वेसल के अंदर, जहां पे भी हम उसको स्टोर करना चाहते हैं, डिलीवर करना चाहते हैं, वहां तक हम क्या कर देंगे, उसको सेंड कर देंगे, वहां तक हम उसको भेज देंगे, जो भी हमारी स्टोरेज रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने बात की हमारे सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में, एयर कंप्रेसर के बारे में। अब हम बात करते हैं वर्क डन की, जो हमारा वर्क डन है सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर के अंदर, वो हम वर्क डन किस तरह से निकालते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा, टॉपिक होगा वर्क डन बाय सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। हमारा टॉपिक क्या होगा, वर्क डन, कि सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर हम वर्क डन किस तरह से निकालते हैं। सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, तो टॉपिक का नाम क्या बन जाएगा, वर्क डन बाय यही होगा, बस हम नाम क्या लिख देंगे, वर्क डन बाय सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रफ कर देते हैं इसको, फिर से लिख लेते हैं, क्या है, वर्क डन बाय सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर।
ये हमारा टॉपिक है वर्क डन बाय। सबसे पहले हमने जो टॉपिक किया उस टॉपिक में हमने बात की है सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर के बारे में। अब हम बात करते हैं कि सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग जो हमारा एयर कंप्रेसर है इसके अंदर हम वर्क डन किस तरह से निकालते हैं। अगर हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन हम किस तरह से निकालते हैं हमारे जो सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर है। तो सबसे पहले वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक पीवी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। हम क्या करेंगे, एक पीवी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, यहां पे इस साइड कर लेते हैं। ये हमारा क्या रहेगा, एक पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम के अंदर क्या है, हम इसमें अंदर जो तीनों हमारी लेयर्स होंगी उनके हिसाब से, प्रोसेस के हिसाब से चलेंगे, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तीन हमारी प्रोसेस होगी, आइसोथर्मल, पॉलीट्रोपिक और आइसेंट्रोपिक यानी कि एडियाबेटिक प्रोसेस। इन तीनों प्रोसेस के हिसाब से हम क्या बात करेंगे, हम वर्क डन निकालेंगे कि रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर का वर्क डन क्या होता है। तो हम यहां पे निकालते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, मान लीजिए यहां से हमारा रह जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा हमारा पी टू। यहां पे हमारा क्या है, एक प्रेशर है पी टू, यहां पे हमारा क्या रहेगा, प्रेशर रहेगा पी टू। ये एक लाइन जाएगी इस तरह से, ठीक है, इस तरह से एक लाइन होगी जहां पे अलग अलग पॉइंट बनेंगे। एक हमारा प्रेशर आ जाएगा यहां पे, ये हमारा प्रेशर रहेगा पीवी डायग्राम के अंदर पी वन, पी वन, पी टू, और इसी तरह ये हमारी एक लाइन जाएगी इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमारी क्या होगी, एक लाइन होगी, मान लीजिए सीधी स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा पीवी डायग्राम। अब इसके अंदर क्या है, ये हमारा पॉइंट, यहां से क्या करेंगे, प्रोसेस नीचे की ओर चल रही है, जो भी हमारी कंप्रेस कर रहे हैं हम, एयर को कंप्रेस हो रही है, वो क्या हो रही है, एक पॉइंट हमारा जा रहा है इस तरह से नीचे की ओर, ये पॉइंट जा रहा है नीचे की ओर, एक पॉइंट इसी के ऊपर जा रहे हैं डॉटेड फॉर्म में, यानी कि यहां से जा रहे हैं डॉटेड में, ठीक है, एक पॉइंट लाइन जा रही है यहां से, एक लाइन जा रही है यहां से इस तरह से, ठीक है, पॉइंट, ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, ये पॉइंट हमारा होगा एफ पॉइंट, ई पॉइंट, और ये पॉइंट जो P2 यहां पे हमने लिखा है, ये पॉइंट होगा हमारा H पॉइंट, ये रहेगा G और G1 और G2, यानी ये G, G1, G2। तो ये हमारा क्या रहेगा, PV डायग्राम, ये हमारा क्या होगा, PV डायग्राम। तो ये इस तरह से इसको नीचे भी हम ले आते हैं, ये नीचे आ जाएगा लास्ट तक, यहां तक, ठीक है, यहां पे V है हमारा, ये G1 हो जाएगा। इसी तरह जब हम इसको लेके जाएंगे नीचे की ओर, तो ये हमारा बन जाएगा G, जब हम इसको लेके जाएंगे ऐसे नीचे की ओर, तो ये हमारा हो जाएगा G2, इसको हम लेके जाएंगे तो ये हमारा क्या रहेगा F, ये हमारा क्या बन जाएगा F dash, F dash, G2 dash, G2 dash, G2। तो ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा होगा PV डायग्राम, ये हमारा क्या होगा PV डायग्राम। अब हम इस PV डायग्राम के अकॉर्डिंग वर्क डन निकालेंगे हमारे सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर, कि हम वर्क डन किस तरह से निकालते हैं हमारे सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले ड्यूरिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, कि जब भी हम बात करते हैं पीवी डायग्राम के अंदर एयर कंप्रेसर के अंदर, तो ड्यूरिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन सक्शन स्ट्रोक ऑफ पिस्टन एयर इज सक्ड एट प्रेशर पी वन। कि जब भी हम बात करते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, यानी कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर जब हमारी पिस्टन की मूवमेंट होती है, पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है, तो उस दौरान एयर सक्ड होती है, एयर यानी कि अंदर आती है हमारे सिलेंडर के अंदर, वो आती है प्रेशर पी वन पे, यानी कि जो एयर है ड्यूरिंग द, हम क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक, ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक पिस्टन मूव्स डाउनवर्ड एंड एयर सक्ड एट प्रेशर पी वन। की ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक, जब हम सक्शन स्ट्रोक की बात करेंगे तो उस दौरान क्या होगी, हमारी जो एयर है, एयर क्या, पिस्टन मूव करेगा, जिसकी वजह से एयर हमारे सिलेंडर के अंदर आएगी, वो किस प्रेशर पे आएगी, वो आएगी हमारे पी वन पे, वो
प्रेशर क्या होगा P1 पे होगा, उस दौरान क्या रहेगा, ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक यानी कि ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक इनलेट वाल्व ओपन, इनलेट वाल्व ओपन कि जो हमारा इनलेट वाल्व है वो ओपन रहेगा, लेकिन जो हमारा डिस्चार्ज यानी कि डिस्चार्ज या फिर बोल दीजिए आउटलेट वाल्व है, आउटलेट वाल्व हमारा बंद रहेगा ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक यानी कि सक्शन प्रोसेस के अंदर हमारा क्या रहेगा, बंद रहेगा। ये हमारी प्रोसेस कहलाती है, इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं ईएफ प्रोसेस। ये हमारी प्रोसेस कौन सी होती है, ईएफ प्रोसेस यानी कि सक्शन वाली प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, ईएफ प्रोसेस। ये हमारी कौन सी है, ईएफ प्रोसेस है सक्शन वाली। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड के बारे में, यानी तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप के बारे में, सेकंड स्ट्रोक के बारे में। प्रोसेस एफजी यानी कि एफ से लेके जी वाली प्रोसेस, एफजी शो द कंप्रेशन ऑफ एयर। जैसे कि आपको पहले रेसिप्रोकेटिंग की जब हमने वर्किंग की थी तो उसके में भी बताया था कि पहले सेक्शन के अंदर हम एयर को कंप्रेस वगैरह सक्ड करते हैं सिलेंडर के अंदर, दूसरे सेक्शन के दूसरे स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारी एयर है एयर को हम कंप्रेस्ड करते हैं। तो यही हम यहां पे करेंगे कि ड्यूरिंग एफ टू जी यानी कि एफ जी सेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, एयर जे ये हमारा क्या कहलाएगा, कंप्रेशन स्ट्रोक कहलाएगा। एयर इज कंप्रेस्ड पॉलीट्रॉपिकली, कि पॉलीट्रॉपिकली प्रोसेस के हिसाब से हमारी जो एयर है वो कंप्रेस होना शुरू हो जाएगी। ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन इनलेट एंड डिलीवरी वाल्व्स रिमेन्स क्लोज्ड, और दोनों वाल्व्स चाहे वो इनलेट है और आउटलेट है दोनों वाल्व क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग या ड्यूरिंग लिख सकते हैं या प्रोसेस, ड्यूरिंग प्रोसेस द प्रोसेस प्रोसेस एफ जी is compression process yani ki f se leke g wali process fg show the compression of air, compression of air polytropically, polytropically kya karti hai ye air ko compress karti hai, in this step p yahan pe likhte hain, in this step इनलेट एंड आउटलेट वाल्व रिमेन्स क्लोज्ड। जो भी हमारे इनलेट और आउटलेट वाल्व है वो दोनों वाल्व क्या रहेंगे, वो रहेंगे हमारे क्लोज्ड, यानी कि इनलेट और आउटलेट वाल्व दोनों हमारे क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे जब हमारी प्रोसेस चलेगी एफ से लेके जी तक। प्रोसेस क्या रहेगी, एफ से लेके प्रोसेस एंड प्रेशर, और जो हमारा प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा हमारा P2। यहाँ पे तो हमारा प्रेशर P1 था, लेकिन जब हम F से G की ओर जाएंगे यानी कि यहाँ से ये हमारा F पॉइंट है, F से G की ओर जाएंगे तो हमारा प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर कितना हो जाएगा, P2। प्रेशर क्या हो जाएगा, P2 एट द डिलीवरी पॉइंट G, यानी कि G पॉइंट पे हमारा जो प्रेशर रहेगा वो प्रेशर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा P2। अब हम बात कर लेते हैं हमारे थर्ड स्टेप के बारे में। यहां तक तो हमने बात की कि पहले एयर को सक किया, फिर हमने एयर को कंप्रेस्ड कर दिया। थर्ड स्टेप के अंदर यानी कि प्रोसेस जीएच, प्रोसेस जी से लेके एच वाली प्रोसेस क्या कहलाती है, रिप्रेजेंट द डिलीवरी ऑफ एयर टू द कलेक्टिंग वेसल, यानी कि जो हमारा स्टोरेज वेसल है जहां पे हम उसको डिलीवर करना चाहते हैं, तो जी से लेके एच के अंदर क्या होगी, वो क्या करेगा, स्टोरेज वेसल के अंदर, कलेक्टिंग वेसल के अंदर उसको डिलीवर कर देगा जो भी हमारी कंप्रेस्ड एयर है एट प्रेशर P2। P2 प्रेशर पे वो क्या करेगा, जो भी हमारी कंप्रेस्ड एयर है कंप्रेस्ड एयर को कलेक्ट कर देगा या फिर ट्रांसफर कर देगा जो हमारा स्टोरेज वेसल है। तो प्रोसेस जीएच रिप्रेजेंट, ये क्या करेगी, प्रोसेस रिप्रेजेंट क्या किस रिप्रेजेंट करेगी, रिप्रेजेंट्स द जो कंप्रेस्ड एयर है उसको डिलीवर करने का, रिप्रेजेंट द डिलीवरी ऑफ, किसकी डिलीवरी, जो हमारी कंप्रेस्ड एयर है, डिलीवरी ऑफ कंप्रेस्ड एयर टू द स्टोरेज वेसल, जो भी हमारी स्टोरेज वेसल्स हैं वहां तक क्या करना, डिलीवर करना चाहिए, किसका काम है, ये हमारी प्रोसेस शो करेगी जी से लेके एच प्रोसेस एट प्रेशर P2, एट प्रेशर P2, कितने प्रेशर पे, जो हमारा P2 प्रेशर है P2 प्रेशर पे क्या करेगी, उस प्रोसेस को डिलीवर कर देगी।
और वापस फिर से हमारा साइकिल उसी तरह से रिपीट हो जाएगा, E से F, F से G, G से H। तो हमारा साइकिल के बारे में ये हमारा क्या था, वर्क डन। हमने अभी क्या किया था, सिर्फ थ्योरी थ्योरी के बारे में जो मेन पॉइंट्स है उसके बारे में बात करते थे, आगे हम निकालेंगे वर्क डन। तो किस तरह से हमने वर्क डन के बात की कि पीवी डायग्राम के अंदर हम क्या शो करेंगे कि हमारा ई से लेके जो एफ पॉइंट है, ई से हमारा जो एफ पॉइंट रहेगा, ई से जो हमारा एफ पॉइंट है, ये हमारा कौन सा स्ट्रोक है, ये हमारा स्ट्रोक है सक्शन स्ट्रोक। ई से ले एफ हमारा सक्शन स्ट्रोक है, इस सक्शन स्ट्रोक के अंदर हमारा आउटलेट वाल्व क्लोज रहेगा, इनलेट वाल्व ओपन होगा। ओपन होने की वजह से क्या होगा, एयर एंटर करेगा, एयर एंटर होगी हमारे किसके अंदर, सिलेंडर के अंदर। सेकंड स्टेप हमने शुरू किया एफ से लेके जी तक, ये हमारा रहेगा सेकंड स्टेप। इस स्टेप के अंदर क्या रहेगी, जो हमारी एयर है वो कंप्रेस्ड होना शुरू हो जाएगी पॉलीट्रॉपिकली। पॉलीट्रॉपिकली जो हमारी एयर है वो कंप्रेस्ड होना शुरू हो जाएगी हमारे सेकंड स्टेप के अंदर। सेकंड स्टेप का नाम रहा कौन सा रहेगा, एफ से लेके जी तक का, एफ से लेके जी तक का हमारा सेकंड स्टेप रहेगा, इसके अंदर एयर कंप्रेस्ड होगी। फोर्थ थर्ड स्टेप रहेगा हमारा जी से लेके एच तक का, जी से एच स्टेप के अंदर क्या होगी, जो भी हमारी कंप्रेस्ड एयर होगी वो डिलीवर होना शुरू हो जाएगी जहां पे हमारा स्टोरेज वेसल है, जब फिर कलेक्टिंग वेसल है वहां पे हम क्या कर देंगे, जो भी एयर है उस एयर को क्या कर देंगे, कंप्रेस्ड एयर को हम क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे, उसको क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे, डिलीवर कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसी प्रोसेस को, मान लीजिए यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हुई, इसी प्रोसेस को अगर हम रिपीट करेंगे तो वैसे ही फिर से स्टार्ट हो जाएगी, ई से एफ तक, एफ से जी तक, जी से एस तक, ये हमारी प्रोसेस चलती रहेगी। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करते हैं अलग अलग प्रोसेस के अकॉर्डिंग, जाने कि आइसोथर्मल, पॉलीट्रॉपिक और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो हम वर्क डन निकालते हैं कि व्हेन कंप्रेशन ऑफ एयर टेक प्लेस पॉलीट्रॉपिकली, कि जब कंप्रेशन है अगर वो पॉलीट्रॉपिकली हो रहा है तो उस दौरान हमारा वर्क डन क्या रहेगा, तो उस दौरान जो वर्क डन है वो क्या रहेगा, जब हम आइसोथर्मली कर रहे हैं, हमारी एयर टेकर हो रही है तो उस दौरान एयर कंप्रेशन हो रही है तो उस दौरान हमारा वर्क डन क्या रहेगा, जब हम आइडियाबेटिकली कर रहे हैं तो उस दौरान हमारा वर्क डन क्या रहेगा, हम बात करेंगे नेक्स्ट